हाँ बोर्ड पे ध्यान देना। देखो बोर्ड पे ध्यान देना। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या था हमारा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन था। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, डेटा रिकॉर्ड्स, आपका परफॉर्मेंस, ऑपरेशन, स्टेटेड पर्पस, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। आज ऑडिट का सबसे पहले देखो मैंने लिखवाया था, 3 पॉइंट्स में करवाया था कि ऑडिट क्या है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा। अब कौन ऑडिट कर सकता है, अब ऑडिट कौन कर सकता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। ऑडिट अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है हमारा स्टेचरी ऑडिट। दो ऑडिट बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। इंटरनल ऑडिट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो तो उससे दिक्कत ना आए और एक्सटर्नल ऑडिटर यानी स्टेचरी ऑडिटर को कोई गलती ना मिले, क्योंकि ऑडिट करवाने का पर्पस आपका ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। मैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं करूंगा। सोल प्रोप्राइटर मतलब जैसे आपने कोई बिजनेस खोल लिया उसके अंदर ऑडिट करवाना, उसकी बात नहीं करूंगा। कोई पार्टनरशिप की बात नहीं करूंगा, पार्टनरशिप फर्म का हम बात करेंगे सिर्फ कंपनी का। तो ये सेक्शन जो 141 होगा ये किसका होगा, कंपनीज एक्ट का, क्योंकि कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी है, सपोज एक्स वाई जेड, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने अगर कंपनी बनाया है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो ऑब्वियस है कि लिमिटेड का मतलब कहीं ना कहीं आपको एक वैलिडिटी, एक आपको जस्टिफिकेशन, एक आपको प्रायोरिटी रिस्पेक्ट मिल रहा है क्योंकि आपकी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। आप बोलते हो नॉर्मली कि लिमिटेड कंपनी है, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट पता है क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और कंपनी एक्ट जब किसी को रिस्पेक्ट दिलवा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर किसी पे हमेशा बना रहे। अगर इसने आजादी छोड़ दिया कि जैसे मर्जी काम करो, मान लो एक्स वाई जेड फ्रॉड करता है और ऐसे ही एबीसी लिमिटेड फ्रॉड करता है और बहुत सारी कंपनी फ्रॉड करने लग जाए, तो आपका लिमिटेड का जो आपके माइंड के अंदर एक है ना कि लिमिटेड ठीक होता है, वो आपके माइंड से क्या होगा, हट जाएगा। तो इसलिए कंपनी एक्ट ने बोला कि अगर आपको लिमिटेड लगाना है, अगर आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए मार्केट में, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग काम करने का मतलब जितने भी हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है वो सारे सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। उसमें से कंपनी एक्ट के सारे सेक्शन अप्लाई तो होंगे ही, उसमें से एक सेक्शन 4141, उसमें से सिर्फ एक सेक्शन मैं पिक करूंगा। तो बोला गया कि आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ऑडिट का मतलब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट करवाना कंपलसरी है। तो कंपनी का क्वेश्चन आया, सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाऊंगा लेकिन किससे, कौन करेगा मेरा, कौन करेगा मेरी कंपनी का ऑडिट, ये तो बताओ, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो कंपनी लॉ ने बोला कि आपके कंपनी का ऑडिट कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जो भी होगा वो ऑडिट करेगा। लेकिन ये आएगा कहाँ से, एक्स वाई जेड पूछता, आप भेजोगे या हम खुद रख लें, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। यानी अपॉइंटमेंट, इसका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, इसके लिए हमारे पास एक 139 सेक्शन में लिखा है कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो हम अभी अपॉइंटमेंट की बात मैं थोड़ा सा बोल दूं, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, या तो शेयर होल्डर करेगा या डायरेक्टर करेगा, बस इतना ही बता रहा हूं। अपॉइंटमेंट कर सकता है यानी इस कंपनी का ऑडिटर होगा सीए, लेकिन रखेगा कौन वो बोला तुम्हारी मर्जी है तुम रखो। तो फिर कंपनी ने सोचा हम रखेंगे ऐसे तो हम बीच में बहुत सारे फ्रॉड भी कर सकते हैं, अपने पर्सन को ही रख लेंगे, किसी जानकार को रख लेंगे तो बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसलिए 141 में आया कि जिसको भी रखोगे उसके अंदर ये सारे क्वालिटी होने चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। अगर इसमें से भी एक भी ये पॉइंट आया तो जिसको आपने सीए को ऑडिटर रखा है वो सीए डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, यानी वो आपके कंपनी का ऑडिटर बन ही नहीं सकता भले ही वो सीए क्यों ना हो।
तो इसका मतलब लॉ ने कंपनी को एक इंडिपेंडेंट दे दिया कि आप किसी सीईओ को चूज करो, लेकिन ये पॉइंट उसके अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर ये इस तरीके का कोई भी पॉइंट मिलता जुलता पाया गया तो वो ऑडिटर सीए तो है, एलिजिबल है, लेकिन वो इस पॉइंट की वजह से वो आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। यानी अब कंपनी अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें लिखी होगी, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, जानकार नहीं होना चाहिए, आपका उससे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, आपका कोई एहसान नहीं होना चाहिए, उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं होना चाहिए, आप साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करते हो, साथ में कोई बिजनेस, तो ऐसे ही पॉइंट तो डालेगा वो, क्योंकि कौन फ्रॉड कर सकता है ऑडिटर जो इन सब बातों से रिलेट करेगा। और जो चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई लेना ही देना, तो वो क्या फ्रॉड करवा पाएगा उससे? नहीं करवा पाएगा। उसके बाद बोला ये सीए जो है ये क्या करेगा, आपके कंपनी का ऑडिट करके एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या, कि किस तरीके के आपके बिजनेस में एक्टिविटी है, फ्रॉड है तो उस रिपोर्ट में वो लिखेगा, फ्रॉड नहीं है तो उस रिपोर्ट में ये लिखेगा, कोई चीज गलत दिखा रखा है तो वो रिपोर्ट, कैश में चोरी है तो वो दिखाएगा, यानी ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट एक तो कंपनी आपको देगा और एक ये मुझे देगा। अब देखो कंपनी के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन आ गया, अगर गलत ऑडिट रिपोर्ट गया कंपनी लॉ के पास, क्या ये एक्शन लेगा? सीधा गवर्नमेंट एक्शन लेगा, भाई तुम्हारी कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है, अब इसको बंद करो। ठीक है, तो अब बताओ एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या चाहेगा कि जो ऑडिटर आ रहा है वो किसी प्रकार की गलती निकाल पाए या ना निकाल पाए? ना निकाल पाए, यही चाहेगा। अगर किसी प्रकार की गलती नहीं निकाल पाए तो एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या चाहेगा, मैं अपने काम को सारे अकाउंटेंट को बोलूं भाई ठीक से काम करना है आपको, क्योंकि ऑडिटर आएगा और ऑडिटर मेरा जानने वाला नहीं है जो बख्श देगा, वो तो सीधा रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सौंप देगा, शेयर होल्डर को दे देगा, तो भाई फिर हमारी कंपनी खतरे में, तो कोई भी गलती काम नहीं करेगा। आप सब अकाउंटेंट हो, आप सबको बुलाया, एक और मैंने खुद अकाउंटेंट अपॉइंट किया, किसने? कंपनी ने। भाई इन सबके काम को चेक करो, एक आप अच्छे से तो काम कर रहे हो, आपके काम को फिल्टर चेक करने के लिए एक और अकाउंटेंट को बुलाया और बोला इन सबके काम को चेक करो। जो दोबारा बुलाया ना, इसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर, चेक करने के लिए तो बुलाया है, ऑडिट का मतलब भी बेसिकली क्या है हमारा, तो चेक करने के लिए बुलाया। ये कोई भी हो सकता है, ये तो मैनेजमेंट ने रखा है। मैनेजमेंट ने क्यों रखा है, क्योंकि इससे बड़ा ऑडिटर आएगा तो दो बार हमारा काम हो चुका है, एक अकाउंटेंट ने भी ध्यान से करा है, एक इसने भी चेक कर लिया, तो इसको गलती मिलने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे गलती मिलते। जैसे ही कम गलती मिलेगा इसे, तो इसका रिपोर्ट कैसा होगा? गुड होगा। और गुड रिपोर्ट कहां पे जाएगा? कंपनी एक्ट पे जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो सारे पॉइंट्स है जो हम एक चार्टेड अकाउंटेंट के अपॉइंट करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट जो कि कंपनी से अनबैज आपका होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। अनबायस क्या होता है? कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इस चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर क्या खासियत होना चाहिए? इस चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा कौन सा एक्टिविटी करेगा जो कि डिस्क्वालिफाई हो जाए, तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 141 क्या बताता है आपको? दो बातें, तीन बातें बताता है बेसिकली। एक एलिजिबिलिटी, आप कब एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा क्वालिफिकेशन, आप कब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फर्म के, कंपनी के ऑडिट करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी में सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, यानी जैसे ही मैं सबसे पहले लॉ मेकर क्या कर रहा था, 141 लिखा 141, उसके बाद लिखा कि इसके अंदर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन और आपका क्वालिफिकेशन, तीन चीजों की बात करेंगे। उसके बाद इसने हेडिंग बनाया, उसके बाद 1, 2, 3 तो लिखेगा ना, फिर लिखा 1 जो बन गया हमारा सबसेक्शन 1। अब 1 में क्या लिखा, अ पर्सन सेल एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। मतलब सिंपल वर्ड में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, कुछ आप देखोगे तो उसे पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ो, सिंपल तरीके से लिख के आना है। तो किसी भी कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? चार्टेड अकाउंटेंट। अब चार्टेड अकाउंटेंट दो तरीके के होते हैं, एक वो होता है जो कि जॉब करता है,
आपने सुना होगा वो सीए वो कंपनी में जॉब कर रहा है। एक वो होता है जो जॉब नहीं करता। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा टाइम तो उसका जॉब में जाएगा। लेकिन जो जॉब नहीं कर रहा, जिसका काम ही सिर्फ ऑडिट करना है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट आईसीआई को इंटीमेट करेगा कि सर मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं ऑडिट ऑडिट ही करूंगा, तो आईसीआई एक उसको सर्टिफिकेट दे देगा, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी सीओपी। तो यानी ये जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसके पास सीओपी होना चाहिए, ठीक है ना? तो चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, इसका मतलब आप ऑडिट करने